आज गुलाम नबी आजाद जी ने कांग्रेस पार्टी की सदस्यता से अपना इस्तीफा दिया है, एक लंबी चिट्ठी लिखी है कांग्रेस प्रेसिडेंट के नाम पर। मैं समझता हूं जो टाइमिंग है इस चिट्ठी का और इस्तीफे का वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि 50 साल के लंबे अरसे तक कांग्रेस पार्टी में तमाम पदों पर रहने के बाद यूथ कांग्रेस, सांसद, मंत्री, मुख्यमंत्री, नेता प्रतिपक्ष, इतने पदों पर रहने के बाद आज जरूरत थी देश को और पार्टी को कि भाजपा के शासन के खिलाफ ठीक उन मुद्दों को उठाएं जिन मुद्दों को अदा साहब उठाते थे सदन के अंदर, राज्यसभा के अंदर। नमस्कार, मैं कशिश और स्वागत है आपका नेक्स्ट 9 लाइफ में। सभी को मालूम है कि किस तरीके से कांग्रेस पार्टी में भी एक के बाद एक बवाल देखने को मिल रहा है। अभी लेटेस्ट यह जानकारी सामने आई कि गुलाम नबी आजाद ने इतने समय बाद इस्तीफा दे दिया, और जैसे इस्तीफा दिया तो उसके बाद से यहाँ पर कांग्रेस का हर एक नेता गुलाम नबी नमस्कार, मैं कशिश और स्वागत है आपका नेक्स्ट 9 लाइफ में। इस रिपोर्ट में बात हो रही है कांग्रेस पार्टी में लगातार दिखते बवाल को लेकर। बताते चले कि एक के बाद एक बवाल सामने आ रहे कांग्रेस पार्टी के अंदर, यानी कि अब तो लोगों ने ये कयास लगाने शुरू कर दिए कि शायद वो दिन दूर नहीं जब कांग्रेस पार्टी पूरी तरीके से खत्म होती नजर आएगी। अब ये कहना भी लाजमी सी बात है, क्योंकि गुलाम नबी आजाद ने यहाँ पर इस्तीफा दे दिया था कल, जिसके बाद से यहाँ पर ये कयास लगने लगे कि शायद वो बीजेपी में जाएंगे। ये कयास क्यों लग रहा है, वो समय तो आपको याद होगा जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गुलाम नबी आजाद की मुलाकात हुई थी, और किस तरीके से यहाँ पर उनकी बातें सुनकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आंखें नम हो गई थी, इसलिए ये सारे कयास लगने लगे। लेकिन वहीं पर गुलाम नबी आजाद ने कहा कि मैं कश्मीर में अपनी अलग पार्टी बनाऊंगा। अब यहाँ पर वो ये सारी चीजें डिसाइड कर चुके हैं, अब किस पार्टी में जाएंगे, खुद की पार्टी बनाएंगे, ये अलग मुद्दा है, इस पर भी चर्चा हम जरूर करेंगे। लेकिन यहाँ इस खबर में आपको ये बताते चले कि पार्टी से निकलते ही यहाँ पर सारे नेताओं के मुंह खुल गए, यहाँ पर लगातार उनकी बुराई करते नजर आए। अशोक गहलोत भी काफी कुछ कहते नजर आए कि यहाँ पर कितने अनलकी है गुलाम नबी आजाद कि वो भारत जोड़ो अभियान का हिस्सा नहीं बन पाएंगे, यहाँ पर हमेशा पार्टी में खोट देखते थे वो, इस तरीके की बातें अशोक गहलोत ने भी कही। कहीं ना कहीं अजमाकन भी अपनी बात रखते नजर आए। लेकिन वहीं पर अब खबर सामने आई कि सचिन पायलट ने जब यहाँ पर गुलाम नबी आजाद को लेकर बात की तो यहाँ पर वो काफी ज्यादा भावुक होते नजर आए। उन्होंने कहा कि 50 साल यहाँ पर उन्होंने कांग्रेस पार्टी को दिए हैं, और 50 साल बाद अचानक से पार्टी को छोड़ दिया। वो अपनी बातें यहाँ पर रख सकते थे, वो अपनी परेशानियां जाहिर कर सकते थे, लोग उनकी सुनते, पार्टी के नेता उनकी सुनते, लेकिन इस तरीके से पार्टी को अलविदा कह देना सही नहीं था। साथ ही साथ ये भी कहा सचिन पायलट ने कि अब एक ऐसा समय आने वाला है जो भारत जोड़ो अभियान सितंबर में शुरू होगा, उसमें कितने ज्यादा अच्छी भूमिका निभा सकते थे यहाँ पर गुलाम नबी आजाद, लेकिन उस समय पर जो पार्टी को उनकी बहुत ज्यादा जरूरत थी तब उन्होंने पार्टी का साथ छोड़ दिया। तो चलिए आपको वो वीडियो सुनवाते हैं कि सचिन पायलट अपने मुंह जुबानी किस तरीके से यहाँ पर गुलाम नबी आजाद को लेकर क्या कुछ कहते नजर आए, और बातों ही बातों में वो कितने ज्यादा भावुक भी हो गए। आज गुलाम नबी आजाद जी ने कांग्रेस पार्टी की सदस्यता से अपना इस्तीफा दिया है, एक लंबी चिट्ठी लिखी है कांग्रेस प्रेसिडेंट के नाम पर। मैं समझता हूं जो टाइमिंग है इस चिट्ठी का और इस्तीफे का वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि 50 साल के लंबे अरसे तक कांग्रेस पार्टी में तमाम पदों पर रहने के बाद यूथ कांग्रेस, सांसद, मंत्री, मुख्यमंत्री, नेता प्रतिपक्ष, इतने पदों पर रहने के बाद आज जरूरत थी देश को और पार्टी को कि भाजपा के शासन के खिलाफ ठीक उन मुद्दों को उठाएं जिन मुद्दों को अदा साहब उठाते थे सदन के अंदर, राज्यसभा के अंदर, महंगाई का, भ्रष्टाचार का, बेरोजगारी का, उन मुद्दों के खिलाफ कांग्रेस पार्टी रैली कर रही है 4 तारीख को, 7 तारीख को भारत जोड़ो यात्रा पूरे देश में हमारी पार्टी निकाल रही है। ये समय था संघर्ष का, सच्चाई को रखने का और भाजपा का सामना करने का। ऐसे समय पर पार्टी छोड़ देना और जो तमाम बातें उस चिट्ठी में लिखी गई हैं वो सच्चाई से बहुत परे हैं। आज जरूरत है लोगों को मिलकर काम करने की, चाहे वो अनुभवी हैं, चाहे वो युवा हैं। कांग्रेस पार्टी एक जिम्मेदार विपक्ष की पार्टी है और सत्ता में रहते वक्त बहुत पदों पर हम आसीन रहे, लेकिन आज जरूरत इस बात की है कि हम मिलकर संघर्ष करते, सामना करते, बजाय उसके आजाद साहब ने आज पार्टी छोड़ी है और मैं समझता हूं कहीं ना कहीं अपनी जिम्मेदारी से पीछे हटे हैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी और तमाम कार्यकर्ता एकजुट रहेंगे, संघर्ष करते रहेंगे और भाजपा के कुशासन के खिलाफ हम लोग अपनी आवाज बुलंद करते रहेंगे।